देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस से हुई मौतों को लेकर एक विश्लेषण सामने आया है। दरअसल जनवरी में अब तक कोरोना से हुई कुल मौतों में 84% मौतें बुजुर्गों की हुई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस दौरान मुंबई में 159 मौतें हुई, जिसमें से 134 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक थी। वहीं 20 लोग ऐसे थे जो कि 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में थे। वहीं 5 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 वर्ष से नीचे थी। आंकड़ों में ये भी स्पष्ट होता है कि लगभग 86% तक लोग किसी एक या अधिक बीमारी से पीड़ित हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी या फिर आंशिक रूप से वैक्सीन लगी थी। कोरोना से मौतों का पिछले साल ये था आंकड़ा। कोरोना की दूसरी लहर से तुलना करने पर पता चला कि आखिरी साल अप्रैल और मई में कोरोना से बुजुर्गों की मौत का प्रतिशत घटकर क्रमशः 65% और 60% हो गया है। बता दें कि मुंबई शहर में कोरोना की तीसरी लहर 21 दिसंबर 2021 के आसपास शुरू हुई और इसका पीक बीती 7 जनवरी रहा, जब यहां 20,971 मामले दर्ज किए गए। वहीं बताते चलें कि मुंबई में 11 जनवरी से मौतें 2 अंक में दर्ज की जा रही है। बता दें कि दूसरी लहर में मौतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जहां मार्च में 391 मौत हुई थी, वहीं अप्रैल में यह आंकड़ा 2,727 तक हो गया था। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।